लीलावती नेचर क्योर योगा रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनके हम फीडबैक लेते हैं और उनको ये सेंटर कैसा लगा, उनको ट्रीटमेंट कैसी लगी और ट्रीटमेंट से उनको क्या फ़ायदा हुआ है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांतिलाल बीशा जी। कांति भाई, आप यहाँ पे आए हैं तो आपने क्या ट्रीटमेंट करवाई थी और कहाँ से हैं आप? मैं जामनगर से हूँ और मैं इधर 6 दिन गया था जी। मैं और मेरी वाइफ जी। फुल डे ट्रीटमेंट जो होते हैं सब मैं ट्रीटमेंट कराई जी। सुबह में 5 बजे उठना जी, चलना वॉकिंग, उसके बाद योगा जी, उसके बाद थोड़ा नाश्ता और फिर जो ट्रीटमेंट हो करनी होती है करने 1 बजे फिर 1 बजे तक खाना जी। तो कैसा लगा आपको, मतलब पूरे दिन की जो दिनचर्या? एक आप क्या बिजनेसमैन हैं या क्या करते हैं? बिजनेसमैन जी। तो आप बिजनेसमैन होते हैं तो आपको ऐसा लगा कि भाई पूरे 6 दिन आप रहे, सब कुछ छोड़ के इधर आप आ गए थे, तो आपको कैसा, मतलब माहौल कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। क्या आपके बिजनेस की याद आ रही थी आपको कि यहाँ मज़ा आ रहा था? बहुत नहीं, वो भी याद तो आती है पर इधर भी बहुत मज़ा आया। इधर का वातावरण बहुत अच्छा है, सब बहुत प्रेम से बात करते हैं, वो जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो भी बहुत ध्यान रखते हैं जी। बट यहाँ के सेंटर की हम जब बात करते हैं कि आपने सेंटर देखा कि किस तरह से बनाया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये रमणीक भाई ने बनाया है, उन्होंने बहुत दिल से बनाया है जी। इसमें बहुत बहुत पैसे डाले हैं जी। उसके भी जो होनी चाहिए लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग तो पहुंची नहीं है बात जी। और जितना उपयोग होना चाहिए उतना हुआ नहीं है जी। मतलब कहना हम यही चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंची नहीं है, तो हमारे लोगों तक ये बात पहुंची नहीं है कि यहाँ पे ऐसा सेंटर है और यहाँ से अच्छी ट्रीटमेंट लेके लोग अच्छे होकर यहाँ से जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहे थे, फ़ायदे नहीं हुए, उसके बाद यहाँ पे आए और फ़ायदे हो रहे हैं। तो इसीलिए हम पेशेंट का फीडबैक इसलिए लेते हैं कि जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया है और उनको क्या फ़ायदा हुआ है, वही फीडबैक के लिए आपको सर बुलाया गया था। तो सर और मैं एक बात आपको पूछना चाहूँगी कि फ़ायदा तो आपको हुआ है, लेकिन हमारे जो ऐसे ही सीनियर सिटीज़न की बात करें या तो अब तक 40 के बाद की हम बात करें, ऐसे लोगों में हर घर में कुछ ना कुछ बीमारियां है, तो ऐसे लोगों को क्या ये सेंटर में आना चाहिए? आना चाहिए, श्योर आना चाहिए जी। जो बीमार नहीं है उनको भी आना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, आना रिलैक्सेशन के लिए जी। क्योंकि अपन गाड़ी 3 महीने 6 महीने में सर्विस कराते हैं जी, तो इधर अपने बॉडी सर्विस कराना चाहिए जी, जी। इधर मीन्स अपने बॉडी सर्विस के लिए आना चाहिए, 1 हफ्ता रहना चाहिए जी। आपका बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाएगा, वजन भी घट जाए, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम रिलैक्स, मतलब आपकी उम्र बढ़ सकती है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। हाँ, जी जी जी, अच्छा रहेगा बॉडी तो जी, उम्र बढ़ेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप की सेहत ठीक रहे, अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहो हमेशा, ऐसी शुभकामनाएं के साथ हम मिलते हैं वापस। लीलावती नेचर क्योर सेंटर में जेमने ट्रीटमेंट लीधी छे एवा मैम साथे आपणे मुलाकात करिए। मैम आपनुं नाम शुं छे? જયાબેન સા જી। જયાબેન આપ ક્યાંથી છો? જામનગર। આપ અને આપ શું કરો છો? હાઉસવાઈફ છો અને આ સેન્ટરમાં તમે ટ્રીટમેન્ટ માટે આવ્યા હતા, તો શું આપને કંઈ તકલીફ હતી? ના, તકલીફ તો કંઈ નથી જી, પણ બોડી બોડીના રિલેક્સેશન માટે જી। આપને શું ટ્રીટમેન્ટ કરાવી છે અહીંયા? બધી જે થતી હતી બધી કરી, બધી જ કરાવી, બધી જ કરી। તો એ બધી ટ્રીટમેન્ટ કેટલો સમય તમે કરાવી, એટલે કેટલા દિવસ અહીંયા રહ્યા? 6 દિવસ થી જી। અને એ 6 દિવસની અંદર બધી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી, એમાં તમને સૌથી સારી ટ્રીટમેન્ટ કઈ લાગી હતી? બીજું તમે શું કેવા માંગશો અમારા જે આ સેન્ટર ઉપર આવનાર લોકો અને જેમને આવવું છે તેમને તમે શું કહેશો? આવવું જોઈએ જી, આ ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી જ જોઈએ જી, આપણા શરીર માટે છે ને, આપણે જી એકદમ શરીર સારું રહે એના માટે આ ટ્રીટમેન્ટ ખાસ જરૂરી છે જી જી।
કોઈ તકલીફ નથી શરીરમાં, પણ તો પણ તમે અહીંયા રિલેક્સેશન માટે આવ્યા અને તમે ખૂબ સારો અનુભવ કર્યો અને અમારા આ સેન્ટરનો અનુભવ કરીને તમે ખૂબ ખુશ છો. તો આવી રીતે અમારા સેન્ટરની મુલાકાત ફરીથી આપ લેતા રહેશો એવી આશા રાખીશું અને મળીશું પાછા. મારું કહેવાનું એમ થાય છે કે બધાએ 6 મહિનામાં 1 વીક અહીંયા આવવું જોઈએ. છ મહિનામાં 1 વાર અહીંયા આવવું જોઈએ. જેમ આપણે બધું સર્વિસિંગ કરાવી છે એમ બોડી સર્વિસિંગ થઈ જાય, તમે બિલકુલ ફ્રી થઈ જાઓ, બિલકુલ એકદમ ફોરા. જી સર, તો પછી તમે એવું પણ કરી શકો છો, તમે જેટલું અહીંયા આવીને જે પણ પેશન્ટો ગયા છે, ટ્રીટમેન્ટ કરી રહ્યા છે, જે એ પણ લોકો સુધી આ વાત કરશે, તો આ સેન્ટર હું માનું છું ત્યાં સુધી સેન્ટર ઉપર લોકો ઘણા આવશે અને સારા થઈને જશે. માનશો આની કિંમત થવી જોઈએ. જી બધાએ પોતાનો સ્વાસ્થ્યનો વિચાર કરીને અહીંયા આવવું જોઈએ, 100% આવવું જોઈએ. જી 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 બહુ સરસ છે અહીંયા, જે અહીંયાનું વાતાવરણ છે બહુ જ સરસ છે. મજા, સ્ટાફ, ડોક્ટરો બધાય બહુ સરસ. જી જી તો ખૂબ જ સરસ સર, થેન્ક યુ. પાછા આપણે મળીશું, ત્યાં સુધી નમસ્કાર.